हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सीबीएसई के सीटेट की रिजल्ट डेट जो डिक्लेयर हो गई है, तो सीबीएसई का जो सीटेट का रिजल्ट है वो आ रहा है आपको 18 अगस्त को, आपको ये रिजल्ट घोषित हो रहा है। तो ये आरियन एक्सप्रेस न्यूज में ये आज ही का यानी कि संडे 14 जुलाई को ये प्रकाशित हुआ है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी न्यूज जहाँ मेन पानते हैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू न्यूज पेपर को। तो सीबीएसई का रिजल्ट जो 2019 का है वो डिक्लेयर होगा आपका 18 अगस्त को, तो आपकी डेट आ गई है। तो आप एनवीएस का फॉर्म या जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी कर सकते हैं कि अगर आपको अगर आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है तो आप अपनी एनवीएस एवीएस एग्जाम आपके आने वाले हैं उस एनवीएस की वैकेंसी ऑलरेडी है। अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर पहले वीडियो देख सकते हैं। तो एज जैसे कि पहले होता आया है कि टू क्वालिफाइड एग्जाम कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर 6% मार्क्स ऑफ 90 marks out of 150 marks for reserve category candidates the cutoff is 55%। तो जो पहले होता है वैसा ही है कि जनरल जो कैटेगरी होती है उसमें आपको लेना पड़ता है 60% मार्क्स, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो आपको 60% मार्क्स इसमें लेने होते हैं 150 में से, यानी कि आपको 90 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। और रिजर्व कैटेगरी में आपको कितना स्कोर करना पड़ता है 55%। तो 18 अगस्त सबका रिजल्ट जब आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि आपका क्लियर है या नहीं है। अभी तक जो आपके क्वेश्चन है उसके बेस पर आप देख सकते हैं जो लोग क्रो लाइन पे हैं जिनके अप्रोक्सीमेट 90 आ रहे हैं, तो वो भी जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन जो हमेशा होते हैं वो आप देख सकते हैं किस किस क्वेश्चन पे आपको लगता है कि हम कर सकते हैं क्लेम कर सकते हैं, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो ज्यादा मेजोरिटी होगी उसकी हमें मीटिंग जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है उसके हम देखने वाले हैं क्या क्या किस क्वेश्चन क्लेम कर सकते हैं। तो दिस सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि सीबीएसई विल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ सीटेट बाय 18 अगस्त 2019। तो 18 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 6 वीक ऑफ कंडक्टिंग ऑफ एग्जाम। तो ये रिजल्ट कब डिक्लेयर हो रहा है आपके विद इन 6 वीक्स में ही ये डिक्लेयर हो रहा है आपका। 7 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था और ये है कि जो डिक्लेयर होगा या तो 18 अगस्त या उससे पहले भी हो सकता है एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर। टू क्वालिफाई द एग्जाम इट्स नीड टू सिक्योर 60% मार्क्स आउट ऑफ 90 आउट ऑफ 150 यानी कि 150 में से अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको 60% मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी कि आपका टोटल स्कोर होना चाहिए 90 मार्क्स। फॉर रिजर्व कैटेगरी द कट ऑफ इज 55% मार्क्स विद अमाउंट ऑफ 82 आउट ऑफ 150 और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए आपको दिए 150 में से 82 मार्क्स। तो वो सारे बच्चे जिनको पहली बार जिन्होंने सीटेट दिया है या जिनको अभी तक नॉलेज नहीं है कितना चाहिए होता है आपको स्कोर, तो उनका आंसर इस लाइनों में है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 150 में से आपको स्कोर करना होगा 90 यानी कि 60% मार्क्स, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में से हैं करना होगा 150 में से यानी कि 55% मार्क्स। तो एग्जाम इज कनेक्टेड दो पार्ट में एग्जाम होता है आपका पेपर वन पेपर टू में, बोथ द एग्जाम्स आर कनेक्टेड फॉर 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है आपका और कैंडिडेट गेट्स 1 मार्क्स फॉर एवरी आंसर दैट यू गेट राइट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तक बच्चों में एग्जाम देके बाद तक ये रहता है कि यार नेगेटिव मार्किंग थी कि नहीं थी, हमने तो टीचर से पूछा था, यार आप टीचर से पूछते हैं जो भी वहां पे इनविजिलेटर होता है उसकी वजह आप अपने जो फ्रंट पेज आप देखते हैं ना वहां पे सब लिखा होता है, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है उसमें क्लियरली लिखा होता है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप पहले उसको रीड की, इसीलिए बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस पढ़नी जरूरी है। इंस्ट्रक्शन आप तभी पढ़ेंगे जब आप एग्जाम सेंटर में टाइम से पहुंचेंगे, क्योंकि जब आप टाइम से पहुंचेंगे तभी आपके पास टाइम होता है कि आप इंस्ट्रक्शंस बैठ के पढ़ेंगे। कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है और बाद में उनको खामियाजा होता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप तुक्का लगाते हो कि चलो नहीं आता है लेकिन इन दो में से एक लग रहा है, चलो दो एलिमिनेट हो गए दो में से एक लग रहा है तो आप तुक्का लगाते हो, तो वो तुक्का भी कुछ लोग छोड़ आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं ये आप हमेशा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले या तो इंस्ट्रक्शन में पढ़े, और बेटर यही है कि आप उससे पहले ये डाउट अपना क्लियर करके बैठे एग्जाम सेंटर में जब एग्जाम देने जा रहे हैं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो कैंडिडेट्स गेट 1 मार्क्स फॉर एवरी आंसर दैट यू राइट, आपको 1 मार्क मिलता है हर एक का जो भी क्वेश्चन आपका ठीक होता है और नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई और भी क्वेरी है सीटेट की तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई एक वीडियो बनाई है जिसमें सीटेट के आपके सारे क्वेश्चन जो भी आपकी क्वेरी है जो भी आपके डाउट है वो हम सोल्व करेंगे। तो द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर टू द ऑफिशियल वेबसाइट, जो रिजल्ट आपका वही ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर होगा जो है सीटेट डॉट एनआईसी डॉट इन।
कैंडिडेट्स विल नॉट गेट एनी पर्सनल नोटिफिकेशन, कैंडिडेट्स को इसकी कोई पर्सनल नोटिफिकेशन नहीं आती है, एक पब्लिक नोटिस जारी होता है जिसमें बताया जाता है कि सीटेट का रिजल्ट आप वहां से चेक कर सकते हैं। दे विल ऑल्सो हैव टू डाउनलोड देयर ई सर्टिफिकेट लेटर, और जिसका क्लियर हो जाता है उसके बाद उसको मिलता है ई सर्टिफिकेट। हाउएवर द कैन सर्टिफिकेट्स विल ओनली बी अवेलेबल फॉर दोज हु एग्जाम, तो जो बच्चा भी क्लियर करता है उससे मिलता है उसका ई सर्टिफिकेट, जैसे कि लास्ट टाइम भी हुआ था जो डिजिटल सर्टिफिकेट आपको मिलते थे, तो उसमें क्या होता है स्कैन करने के लिए कोड होता है, आप उसको स्कैन करके उसकी वैलिडिटी आप वेरीफाई उसको कर सकते हो। तो कितने लोगों ने टोटल एग्जाम दिया ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, 20,84,174 लोगों ने जो है एग्जाम के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 37,221 स्पीच एंड हियरिंग चैलेंज थे, उसमें से एज मेनी एज 35 थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू अपीयर फॉर, और 35 से जो थर्ड जेंडर थे जिन्होंने अपीयर किया। एग्जाम वाज कंडक्टेड इन 20 लैंग्वेजेस, 20 लैंग्वेज में ये एग्जाम कंडक्टेड किया गया था, और 104 सिटी में अक्रॉस इंडिया ये क्लियर किया गया था। तो इसमें काफी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सीटेट के क्लैरिफाई हो गए हैं रिजल्ट के साथ साथ, जैसे कि आपकी क्लियर होने के बाद आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, कितने आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे, कब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप क्या कर सकते, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लैंग्वेज में होता है, कितनी सिटी में होता है, तो काफी कुछ क्वेश्चन है जो आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, और क्या आपको लगता है कि उसके अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से क्वेश्चन है जिसपे आप क्लेम करना चाहेंगे, जिसपे आपको डाउट है वो क्वेश्चन आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा सीटेट के जितने भी है ना आपके डाउट, सिले से सिले डाउट, चाहे यही आपका एक डाउट था कि कितना होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, पासिंग मार्क्स, कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें हम शुरू से लेकर लास्ट तक डिस्कस करेंगे आखिर सीटेट होता क्या है, बेसिक से हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपके मुझे जरूरत पड़ेगी आपके कमेंट्स की, तो जितना हो सके अपने कमेंट्स कीजिए ताकि मैं उनको कंपाइल करके एक परफेक्ट वीडियो आपके लिए लेके आ पाऊं। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, चैनल से जुड़े रहिए, इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर फैलाइए इस वीडियो को, क्योंकि लोगों को पता चल जाए कि रिजल्ट आने वाला है, वो आगे एग्जाम्स का अपना बेस तैयारी कर पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।